प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त इस सितंबर महीने में अपेक्षित है कि सितंबर के अंत तक भारत सरकार उसके बारे में घोषित करेगी। इस बार उन्होंने यह अनिवार्य किया है कि भू लेखों के साथ उनका सत्यापन करके पोर्टल पर उसको अपलोड होना चाहिए। पिछले 3 महीने में उत्तर प्रदेश कृषि विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर के हम लोगों ने उसको कैटेगराइज करने का काम किया है और उन्हें चिन्हित किया है। भारत सरकार से हमको 2,25,00,000 किसानों की सूची मिली थी जिनको पीएम किसान के पोर्टल पर समय समय पर हम लोगों ने भेजे थे। उसमें से 21,00,000 ऐसे किसान पाए गए जो अपात्र किसान हैं। पूर्णतया वो अपात्र है। कुल हम आपको दे देते हैं, इसका प्रश्न नोट आपको मिल जाएगा। 21,00,000 वास्तविक किसानों की संख्या 2,65,00,000 है। उसमें से अभी तक कृषि विभाग और राजस्व विभाग ने मिलकर के 1,71,00,000 किसानों को लगभग 65% के करीब इस कार्य को पूरा कर लिया है और युद्ध स्तर पर प्रयास करके पिछले 2 महीने के भीतर उनके भूलेखों के अंकन की भी कार्रवाई हम लोगों ने किया है, जिसमें 1,62,00,000 किसानों के भू अभिलेखों के साथ सत्यापन करके उसको पोर्टल पर अपलोड किया गया है। 1,62,00,000 का डाटा मिल गया है, जिसमें से 1,51,00,000 किसानों का डाटा अपलोड कर दिया गया है। ये सब जो पहले की सूची जो अभाव को पाए गए हैं उसमें से मृतक किसानों की संख्या 47,000 के करीब है, 4.7 लाख है और भूमिहीन किसानों की संख्या 4.5 लाख है। ये हजार होंगे, 47,000 और 45,000 नहीं, वो हजार हो गए, उन्होंने ट्रीट कर दिया है, वो 47,000 और 45,000 यानी लगभग 1,00,000 के करीब ऐसे संख्या होगी। हम आपको प्रश्न नोट दिलवा देते हैं, उसको ठीक करके करेक्ट करके दे दीजिए। तो इस प्रकार से भारत सरकार ने यह कहा है कि 12वीं किस्त जिसका भूलेख पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा उनको ही ये पेंशन पहुंच सके। हम लोग युद्ध स्तर पर सभी तहसीलों के भीतर हमारे कृषि विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने मिलकर इस कार्य को संपन्न किया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे मुख्य सचिव ने और एपीसी साहब ने और एसीएस साहब ने समय समय पर जिलाधिकारियों को इस संदर्भ में निशी करके उनको ये आगाह भी किया है कि इस काम को पूरा किया जाए। ये अंतिम तारीख 9 सितंबर है भूलेख के पोर्टल पर अपलोड किए जाने का। वो लगभग हमारे पास 11,00,000 डाटा ऐसे हैं जो अभी नहीं हो पाए, वो आजकल में वो अंकित हम कर देंगे तो वो 1,65,00,000 संख्या हो जाएगी और जो नए डाटा आ रहे हैं उनको भी हम ये प्रयास कर रहे हैं 9 सितंबर तक उसको पूरा कर लिया जाए। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा प्रदेश के किसान भाइयों को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा है कि सभी पात्र किसान जो अपने को सत्यापित कर ले रहे हैं उनको हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उनको उनके खातों तक पहुंचा दें। तो अपील मैं ये करना चाहता हूं कि किसान भाइयों से कि वो इस समाचार को जानने के बाद ये आगे 3 दिन हमारे पास बचा हुआ है उसके भीतर अपने अभिलेखों को आकर के वो पोर्टल पर लोड करा देंगे तो पीएम किसान सम्मान निधि को प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई उनको नहीं रह जाएगी और उनके खातों में धनराशि पहुंच